नमस्ते दोस्तों, सुमिता किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एप्पल केक की रेसिपी लेके आई दोस्तों। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों कितनी लाजवाब लग रही है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं आपकी ये रेसिपी कैसी लगी है। दोस्तों वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप सब चलिए इस केक को हम कैसे बनाए हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हम सेब ले लिया है। अब सेब को हम सिल लेंगे इसी तरह से। देखिए सिल लिया है। अब हम काट लेंगे इसी तरह से। हम काट लेंगे पतले पतले स्लाइस में। देखिए हमने काट लिया है। अब एक पैन ले लेंगे और सेब को डाल देंगे। डाल दिया है। एक टुकड़ा बटर ले लेंगे। शुगर पाउडर है, 2 चम्मच शुगर पाउडर मिलाया है। अब हम गैस पर चलते हैं। देखिए गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से चला लेंगे। देखिए चीनी और बटर मेल्ट हो गई है। हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से चला लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए, कलर भी चेंज हो गई है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे। अब दूसरी प्रोसेस पे चलते हैं। केक हम इसी के अंदर बनाएंगे। इसी तरह से भगोना ले लिया है। आपके पास है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। नमक डाल देंगे। इसी तरह से स्टैंड ले लेंगे, रख देंगे। अब हम इसी तरह से बंद करके गर्म होने के लिए गैस पर रख दूँगी। एक बाउल ले लिया है। अब 1 कप दूध डाल देंगे। इसी कप की मदद से 1 कप शुगर पाउडर ले लिया है, मीठा आप अपने हिसाब से ले लीजिए। दही ले लिया है 1 कप, मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स कर दिया है। एक छलनी ले लेंगे। इसी कप के मदद से हम 2 कप मैदा मिलाएंगे, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएंगे, 1/2 चम्मच दालचीनी पाउडर है वो डाल देंगे। अब हम छान लेंगे सारे चीज़ों को। 1 कप से 1/2 हम ऑयल डाल देंगे। अब हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। देखिए मिक्स कर दिया है। अब हम सेब को डाल देंगे। अब हम मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स कर दिया है। अब हम हटा देंगे। केक के लिए बर्तन ले लिया है, ऑयल से ग्रीस कर देंगे। आपके पास बटर पेपर है तो आप लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं लगा रही हूँ। थोड़ी सी मैदा लगा देंगे, इस तरह से फैला देंगे। बड़ी आसानी से निकल जाती है इस तरह से कर देने से। देखिए हमने रेडी कर लिया है। अब केक बटर को डाल देंगे। देखिए हमने डाल दिया है। इसी तरह से हम टैप कर देंगे ताकि कोई बबल्स ना रहे। अब गैस पर चलते हैं। अब ढक्कन हटा देंगे, गर्म हो गई है। अब हम केक को इसके अंदर रख देंगे। अब हम कवर करके 45 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे। चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया कलर आई है। अब हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों हम 5 मिनट और रख देंगे, अभी थोड़ी सी रह गई है। चलिए 5 मिनट बाद चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस को बंद करेंगे और निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों हमने निकाल लिया है। अब हम ठंडा होने देंगे, इसी तरह से बंद करके रख देंगे। देखिए ठंडी हो गई है। अब हम निकाल लेंगे, इसी तरह से प्लेट ले लेंगे, इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए वाओ कितनी जालीदार बनी है और कितनी बढ़िया बनी है। देख ज़्यादा ही सॉफ्ट है। अब हम शुगर पाउडर लगा लेंगे इसी तरह से। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही टेस्टी है दोस्तों। देखिए दोस्तों रेडी हो गई है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब बनती है। अब चलिए अगली वीडियो पे मिलते हैं। बाय।